लोकसभा चुनाव में अभी एक साल का वक्त है। हालांकि किसी भी गठबंधन के फाइनल होने में एक दिन ही काफी होता है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का स्वरूप क्या होगा। अखिलेश जब दिल्ली पहुंचते हैं तो कांग्रेस गठबंधन के सवाल पर कुछ और बोलते हैं, और जब वो कोलकाता पहुंचते हैं तो उनके सुर कांग्रेस पर हमलावर हो जाते हैं और कांग्रेस को वो अपना दुश्मन नंबर एक बताते हैं। दिल्ली की सत्ता को लेकर आखिर अखिलेश के मन में क्या चल रहा है? कांग्रेस से दोस्ती को लेकर समाजवादी पार्टी की अंतिम प्लानिंग क्या है? क्योंकि एक तरफ कभी कांग्रेस से गठबंधन न करने की बात कही जाती है तो दिल्ली पहुंचते ही बयानों में विरोधाभास दिखता है। बुधवार को जब अखिलेश राजधानी दिल्ली पहुंचे थे तो चुनाव के वक्त गठबंधन की तस्वीर फाइनल करने की बात कही थी। गठबंधन आज नहीं होगा, गठबंधन बाद में होगा जब चुनाव होगा, गठबंधन जब समय होगा तब होगा। लेकिन यही अखिलेश जब शुक्रवार को कोलकाता की जमीन पर पहुंचे तो कांग्रेस पर चुभने वाला हमला कर दिया। ये जो संस्थाएं हैं ये कोई पहली बार जांच नहीं कर रही है। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना चाहिए, जिस किसी ने भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन की गुंजाइश है यह तो अखिलेश जी को खुद तय करना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछला गठबंधन 2017 का था कांग्रेस के साथ वो अच्छा नहीं था, अनुभव अच्छा नहीं था उसका। और 2020 में तेजस्वी यादव ने बिहार में गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ, उसका भी नतीजा बेहतर नहीं रहा और एक हार का प्रमुख कारण कांग्रेस को जो सीटें मिली और अधिकांश सीटें वो हार गई, स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा ये माना जाता है। अखिलेश ने कोलकाता से बहुत हद तक तस्वीर साफ करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोला बल्कि ममता बनर्जी से मुलाकात कर एक बड़ा मैसेज भी दिया। अखिलेश बाकायदा ममता बनर्जी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान पार्टी उपाध्यक्ष किरणमय नंदा के साथ साथ शिवपाल यादव भी मौजूद थे। यूपी और बंगाल के नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली और माना जा रहा है कि इस बैठक से तीसरे मोर्चे पर फाइनल मुहर लग गई, यानी भाजपा एक तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ और क्षेत्रीय दलों का झंडा तीसरी तरफ। अभी गठबंधन की जब चर्चा ही शुरू नहीं हुई तो गुंजाइश खत्म होना या बचे होने का प्रश्न बेमानी है। जब राष्ट्रीय स्तर पे कोई नेता कोई दल सबसे बात करेगा प्रयास करेगा तब उस समय ये बात आएगी। जब तक कोई निर्णय नहीं होता तब तक जो जैसी प्रोबेबिलिटी है वो आप सबके सामने स्पष्ट है। इस वक्त वो लड़ाई छिड़ गई हमारे हिंदुस्तान में जिसकी लोगों ने शायद पिछले 50-60 सालों में कल्पना नहीं की थी, और जो लड़ाई हम लोगों को 2014 के बाद हिंदुस्तान में झेलनी पड़ रही है। आप निश्चिंत रहिए, 2024 में हम सब लोग एकत्रित होंगे और इस देश को बेचने वाली को, देश को गुलाम बनाने वाली सरकार को हम लोग उखाड़ करके हिंदुस्तान से बाहर फेंकने का काम करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो बंगाल की जमीन से अखिलेश ने 24 वाली हुंकार भर दी है और बहुत हद तक ये तस्वीर साफ कर दी है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की दिशा क्या रहने वाली है। इस मोर्चे का फायदा यूपी की जमीन पर कितना होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन भाजपा की बेचैनी जरूर बढ़ाने की कोशिश हो रही। सस्पेंस नहीं, ही इज कंफ्यूज्ड पॉलिटिशियन, वो खुद नहीं जानते उन्हें कहां जाना है, इसलिए कंफ्यूज्ड आदमी कभी टारगेट को नहीं प्राप्त कर सकता। अखिलेश जी की दुर्दशा यही होने वाली है। टैक्टिकल गठबंधन की अगर वो इस ये सस्पेंस नहीं है, टैक्टिकल गठबंधन है कि वो आपस में एक दूसरे के जहाँ पर मजबूत है कांग्रेस वहाँ पर कमजोर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट दें या हल्का कर दें या ना खड़ा करें, इस तरह के टैक्टिकल गठबंधन करेंगे तो यूपी में उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ फायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी इस प्रदेश की राजनीति को 3 या 4 ध्रुवों में बांटना चाहती है। कोलकाता में अखिलेश यादव ने न सिर्फ ममता बनर्जी से मुलाकात की बल्कि एक बड़े मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच सहमति भी बनी। दोनों नेताओं ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाई जाएगी। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश ने तो ममता बनर्जी से यहां तक कह दिया कि वो थर्ड फ्रंट का नेतृत्व करें, जिस पर ममता बनर्जी ने भरोसा दिया कि जब भी
थर्ड फ्रंट की बैठक होगी तो वो वहाँ मौजूद रहेंगी। यानी महागठबंधन से कांग्रेस का पत्ता लगभग लगभग कट गया है। नहीं, कांग्रेस पार्टी लालयत नहीं है शिवपाल अखिलेश यादव जी से गठबंधन करने के लिए। वो जिम्मेदारी तय कर लें, वो जवाबदेही तय कर लें। हम तो लगातार लड़ रहे हैं जनता के बीच में, हम बयानबाजी पर नहीं काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच पर कर रहे हैं। राहुल जी ने यात्रा में भी साफ संकेत कहा था कि भारत जोड़ों में शामिल है, स्वागत होना चाहिए, मगर उनकी जिम्मेदारी वो तय कर लें किससे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से। 2022 के चुनाव में जिस तरह से 2.5% तक भी कांग्रेस नहीं पहुंची और अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए सिर्फ 2 सीटों तक महदूद रह गई, ऐसे में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा क्लेम अखिलेश के सामने बनता नहीं है। और अखिलेश चाहें तो उन्हें घुटनों पर लाकर भी कोई समझौता कर सकते हैं। तीसरे मोर्चे का इशारा तो अखिलेश बहुत पहले से ही कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश की कोशिश भाजपा विरोधी दलों का एक बड़ा मंच तैयार करने की है। वो तेलंगाना के सीएम केसीआर से कई बार मिल चुके हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के जन्मदिन पर भी अखिलेश वहां पहुंचे थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से लगातार बातचीत हो रही। पिछले दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी चर्चा हुई थी। गुरुवार को अखिलेश यादव ने लालू यादव से मुलाकात की। दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी भी गठबंधन की चर्चा में है। अब बंगाल की सीएम से मिलकर अखिलेश ने एक और कदम बढ़ाया है। अखिलेश बार बार बंगाल और दक्षिण भारत का विशेष तौर पर जिक्र कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तीसरे मोर्चे की पॉलिटिक्स कितनी मजबूत है, इसे इस बात से समझिए कि कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बयानबाजी होने लगी है। शिवपाल यादव ने कांग्रेस और भाजपा को एक जैसा बता दिया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, तो इनसे तो पहले लड़ते रहे कांग्रेस से, और अब भारतीय जनता पार्टी से हम लोग पूरे विपक्ष के लोग लड़ ही रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अखिलेश ने बता दिया है कि वो संभावित तीसरे मोर्चे के सबसे बड़े चेहरे के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये चुनाव के बाद ही तय होगा कि विपक्ष की इस सियासी खिचड़ी में किसका योगदान सबसे ज्यादा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।